हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ इसके हम एप्लीकेशन आगे के कुछ लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली है क्या, इसका क्यों यूज किया गया है। तो लाप्लास आप समझिएगा एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर हैं लाप्लास। सो लाप्लास एक्चुअली है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। लाप्लास हम यहाँ देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहें, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग आ डिफरेंशियल इक्वेशन टू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। सो यहाँ एक लाइन जो नीचे लिखे, इट इज अ मैथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास हैं उनको सॉल्व करने का एक ये मेथड है। सो हम ये एप्लीकेशन में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो चलिए जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले यही इसी को जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक, सो इफ़ द कर्नल, मानते हैं कर्नल ऑफ पी टी ये कोई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, तो कर्नल ऑफ पी टी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक, यहाँ पर पी कोई कांस्टेंट है और टी आपका कोई वेरिएबल होता है। सो ये कंडीशन है कर्नल ऑफ पी टी, इसको के फॉर कर्नल है। ठीक, सो टी इज लेस देन 0 देन कर्नल ऑफ पी टी 0 होता है, एंड टी इज ग्रेटर और इक्वल 0 देन कर्नल ऑफ पी टी का मान इक्वल पावर माइनस पी टी। सो हमें ये जो मान है ये है आपका एफ पी। ठीक, सो ये जो एफ पी लिखा है ये इसी को हम बोलते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी। सो जरा इसको जान लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं, माना कि हमने एफ टी आपका एक क्या है, कोई फलन है। ठीक, क्योंकि फंक्शन ऑफ टी है। सो हमें इसका लाप्लास निकालना है। सो लाप्लास आप इस तरह से निकालेंगे, कोई भी फंक्शन है उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाप्लास में। ठीक, सो एफ टी फंक्शन है उसका हमें लाप्लास निकालना है, दैट मीन्स एल निकालना है। ठीक, सो ये इसको हम पढ़ेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी। सो लाप्लास ऑफ एफ टी को जनरली हम एफ पी से डिनोट करते हैं, जो है इस तरह से स्मॉल एफ इन ब्रैकेट ए स्मॉल ब्रैकेट इन पी। सो एफ पी इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी को। क्लियर, सो लाप्लास ऑफ एफ टी जनरली यहाँ डिफाइन किया गया है इस तरह से। आपको ये मेन फॉर्मूला जो है इसका लाप्लास ऑफ एफ टी का ये है। ठीक, एफ पी इक्वल्स टू लिखा है, बट हम एफ पी को ही क्या बोलते हैं, इस एफ टी का लाप्लास। सो लाप्लास और इन ब्रैकेट एफ ओ एंड टी। ठीक है, सो इस तरह से आप लाप्लास ऑफ एफ टी लिखेंगे, बट ये आपको याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, सो ये फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ टी का लाप्लास 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक, सो इसको हम याद रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और डेफिनेशन के बारे में दिया है। कभी कभी डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इस तरह से यही लिखिएगा। ठीक, इफ कर्नल ऑफ पी इक्वल्स टू दिस देन लाप्लास ऑफ एफ टी या एफ पी इक्वल्स टू दिस। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट यही है, आपको ये लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट, द फंक्शन एफ पी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल फर्स्ट इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स यही हम इसी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। डिनोटेड करते हैं इसको लाप्लास ऑफ एफ टी, जैसा कि मैंने बताया, इससे डिनोट करिए, चाहे एक कैपिटल एफ बार लगा के पी से डिनोट करिए, या स्मॉल पी जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से एफ और इन ब्रैकेट पी। ठीक, सो ये लाप्लास ऑफ एफ टी ही कहलाएगा। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन की बात हो गई। अब डेफिनेशन के बाद कुछ लीनियर प्रॉपर्टी होती है। लीनियर प्रॉपर्टी ये है कि लाप्लास हमें निकालना किसी दो वैल्यू प्लस में दी गई हैं, दो फंक्शन प्लस में दिए गए हैं, ए वन ए टू कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे एल लगा दीजिए इस तरह से टी की जगह, तो एल आप क्या करेंगे, इसमें अलग कर देंगे, इसमें अलग कर देंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर रख लेंगे। सो इस तरह से ये लीनियर प्रॉपर्टी, कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। ठीक, ये जो आपका दिया गया है लाप्लास ऑफ ए वन कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, एफ वन टी में अलग लाप्लास का साइन लगाएंगे, एफ टू टी में अलग लाप्लास का साइन लगाएंगे हम, ये तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, कॉन्स्टेंट का कोई हम लाप्लास निकालते हैं तो उसको बाहर कर लेते हैं।
नेक्स्ट, अब इसमें हमें कुछ फंक्शंस देखने हैं जिनके लाप्लास हमें ज्ञात करना है। सो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। यस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन जब एफ टी हमारा क्या दिया हो, ई की पावर ए टी दिया गया हो, तो हम कैसे इसका लाप्लास निकालेंगे। एफ टी इक्वल्स टू दिया है, सो कुछ नहीं, फॉर्मूला आप लगाएंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, लाप्लास ऑफ एफ टी इन ब्रैकेट में लिखेंगे कुछ एफ टी इस तरह से इक्वल्स टू एंड जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट एंड ई टू द पावर, अब ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ई टू द पावर माइनस पी टी एंड एफ टी, यहाँ जो एफ टी है वो सेम यहाँ एफ टी रखेंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक, एफ टी एंड डी टी, सो दैट मीन्स इंटीग्रेट करना है इसका और जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक। सो यहाँ पर एफ टी आपको दिया है, एफ टी है ए की पावर ए टी, ये मान रखेंगे यहाँ, और जैसे ही आप इसका मान रखेंगे हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आगे इस तरह से मिलेगा, ई की पावर माइनस पी टी मिलेगा, यहाँ पर ई की पावर ए टी मिलेगा, दोनों को हम क्या करेंगे, पावर मल्टीपल में आप इसको ऐड कर सकते हैं, सो जनरली जब इसको ऐड करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, इसमें डायरेक्ट कर दिया है, बट हम जब इसको ऐड करेंगे तो ई की पावर माइनस पी टी, और जब एफ टी का मान रखेंगे यहाँ पर, तो एफ टी का मान आपने देखिए यहाँ दिया गया है, एफ टी का मान रखा ई की पावर ए टी जो आप गिविन था, इसी का आपको ई की पावर ए टी का लाप्लास निकाला था, लाप्लास ऑफ ए टी, इस एफ टी की जगह हमने रखा ई की पावर ए टी, दैट इज इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, ये तो रहेगा ही, और एफ टी जो है वो जो चीज़ गिविन है वो हम यहाँ रखेंगे। अब ये पूरा फंक्शन इसको सॉल्व करेंगे, ई की पावर माइनस पी टी की पावर ए टी, सो पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, जब ई की पावर दोनों ऐड होगी तो माइनस पी टी और ए टी दोनों से टी करेंगे कॉमन, माइनस का टी, तो ये मिलेगा आप। अब इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो जनरली वही इंटीग्रेशन होगा, ई की पावर माइनस ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस ए टी अपॉन ए, सो ए का मतलब पी माइनस ए है, सो हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट, हम इसमें जब इनफाइनाइट मान रखेंगे यहाँ पर, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट आपको मिलेगा, उसका मान जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट, सो ई की पावर माइनस आपको इनफाइनाइट मिलेगा, जिसका मान क्या होता है, जीरो होता है माइनस इनफाइनाइट का मान, ठीक, ई की पावर में, सो ये तो पहला पार्ट जीरो हो जाएगा, जब जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो मिलेगा, और हम टी की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ठीक, सो यहाँ माइनस माइनस एक तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ की पावर जीरो वन हो जाएगा, सो वन अपॉन पी माइनस, इस तरह से इंटीग्रेशन होता है, और ये कंडीशन होती है कि पी की वैल्यू हमेशा इसे अधिक होनी चाहिए, सो ये हमारा किसका लाप्लास रहा है, ये लाप्लास ऑफ है ए की पावर ए टी का, सो ए की पावर ए टी का हमारा लाप्लास होता है वन अपॉन पी माइनस ए, क्लियर, सो इस तरह से हमें अलग अलग फंक्शन होंगे और अलग अलग फंक्शन के लाप्लास निकालने होते हैं, सो ये एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको प्रूफ करके बताया। नेक्स्ट, अब इस तरह से ये भी एक बार एग्जाम में आया है कि एफ टी इक्वल्स टू साइन ए टी है, तो इसका क्या लाप्लास होता है, सेम इसी फॉर्मूले हम एफ टी की जगह साइन ए टी रखेंगे, जहाँ एफ टी था हमारा साइन ए टी रखा, सॉल्व किया, अब इसका सॉल्यूशन दो फंक्शन के मल्टीपल का लगाएंगे, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम इसका एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला ये रहा सीधे e की पावर ए टी साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक, ये जब हमारा एफ टी साइन ए टी दिया है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक, इसको जब फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे, अब ए का मतलब यहाँ पी है और बी का मतलब यहाँ पर ए है, सो हम इसी राइट हैंड साइड में मान रखेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप करने के बाद आपको इस तरह से ये आंसर मिलेगा, यानी कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी का मान होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट, कॉस का है, तो कॉस में हमें इस तरह से एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस वाला हमारा फॉर्मूला ये होता है, ए कॉस ए टी का लाप्लास है तो ये कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक, इसमें ए की जगह आपके पास पी है और बी की जगह इसमें आपके पास ए है,
ठीक। सो इस तरह से आप इसमें राइट हैंड साइड में ए की जगह माइनस पी रखिएगा और बी की जगह ए रखिएगा। जब ये चीज़ रखेंगे तो आपके मिलेगा, लिमिट पुट अप करेंगे तो आपको कॉस 80 मिलेगा। इसका ज़रा कैलकुलेशन आप एक बार कर लेना, आसान है ठीक, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ही प्रूफ करना बनना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो आता नहीं हाइपरबोलिक का, फिर भी आप समझ लीजिए कि कॉस हाइपरबोलिक 80 है, तो यहाँ इसका कॉस हाइपरबोलिक 80 का हम फॉर्मूला लगाएंगे। और कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है 1/2 ई की पावर, आपका होता है इस तरह से, ई की पावर 80 प्लस ई की पावर माइनस का 80 अपॉन 2। ये तो होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक 80 ठीक। साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है तो कुछ नहीं, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं तो साइन हाइपरबोलिक का हो जाता है ठीक। सो नेक्स्ट, जब आप इसको प्रूफ करेंगे, सो यहाँ पर लाप्लास को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है। 1/2 कॉन्स्टेंट रहेगा, वो बाहर रहेगा। ई की पावर 80 का लाप्लास हमने निकाला है, 1/p माइनस से होता है, वो आपने यहाँ पुट अप किया। ई की पावर माइनस 80 का, अब देखिए ए की जगह यहाँ क्या है, माइनस ए है ठीक। सो कुछ नहीं, जहाँ ए की जगह है माइनस ए रखेंगे इसकी जगह, सो यहाँ प्लस हो जाएगा ठीक। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सो यहाँ पर लाप्लास है। सो इस तरह से हम कुछ लाप्लास निकाल सकते हैं के बेस पे निकाल सकते। ठीक, चलिए ये कुछ दिए गए हैं फंक्शन जिनको आपको याद रखना है कि एफ टी जब हमारा 1 होता है, एफ टी की वैल्यू यदि 1 है तो हमारा लाप्लास क्या होता है, 1/p होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप ऐसा समझिए कि आपकी फॉर्मूले ही है ठीक। सो जब एफ टी हमारा 1 दिया है, एफ टी का मान 1 है, सो इसका मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी जगह बनाते हैं तो हमारा 1/p आएगा। इसको आप इसी फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आपका था 0 to ∞ ठीक है। जैसा आपने अभी लिखा था लाप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला था, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं फिर से एक बार, इसको याद रख लीजिएगा ठीक। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 to ∞ एंड ई टू द पावर माइनस पी टी ठीक। और जो एफ टी यहाँ है सेम यहाँ पर एफ टी रखेंगे, एफ टी एंड डी टी ठीक। तो ये फॉर्मूला, एफ टी का मान यदि 1 है तो हम इस 1 का लाप्लास निकाल लेंगे, बहुत आसान है। यहाँ 1 रखेंगे, सीधी की पावर पी टी का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो आप करिएगा लिमिट पुट अप करिएगा 0 to ∞ तो आपको ये मिलेगा ठीक। सो अब हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, समझ लिया आपने, हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को समझते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी 1 है, मतलब सॉरी एफ टी 1 है तो लाप्लास एफ टी यानी लाप्लास ऑफ 1 निकालेंगे। इस एफ टी जब 1 रखेंगे तो लाप्लास ऑफ 1 का मान हमारा आने वाला है 1/p ठीक। नेक्स्ट, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टी की पावर एन है और एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एन की वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू हमारी होगी 0 से अधिक होगी ठीक। सो जब भी यहाँ एन जो है 0 से अधिक है, सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू द पावर एन प्लस 1। सो एन इज अ पॉजिटिव कंडीशन हो जब ठीक। यहाँ पर अगर एन आपका पॉजिटिव ना हो, वो क्या हो, माइनस 1 से ग्रेटर देन हो, यहाँ एक ही जगह हम एन लिख सकते हैं, फॉर्मूला इस तरह से आपका हो सकता है टी की पावर एन, इसको भी हम कह सकते हैं, अर्थात यहाँ एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन माइनस 1 वैल्यू होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, जब आपके पास इस तरह से वैल्यू दी गई हो टी स्क्वायर टी पावर 4 एंड टी की पावर 6, इस तरह से वैल्यू दी गई हैं ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जब आपकी वैल्यू दी गई हो टी की पावर 1/2 टी की पावर 3/2 ठीक है, फ्रैक्शन टाइप में दिया गया हो इस तरह से, हम तब ये लाप्लास का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे गामा वाला, क्लियर है। सो चलिए एक बार इसको हम रफ करते हैं फिर समझते हैं इसको सही से। क्लियर है। सो लाप्लास ऑफ क्या है, 1/p होना चाहिए, और टी की पावर एन जब एन क्या हो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन प्लस 1, ये जो एन है ये ठीक, एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जब एन की वैल्यू क्या हो यहीं पे ग्रेटर देन माइनस 1 हो, तो हम ये गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन पी टू पावर एन प्लस 1 ठीक।
क्लियर है। यहाँ हम एक ही जगह एन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आप एन के फॉर्म में इसको लिखिएगा, एक ही जगह एन करिएगा, ठीक। नेक्स्ट, जब एफ टी ई की पावर एटी है तो हमें अभी प्रूफ किया है 1/p-a होता है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। साइन ए टी का लाप्लास निकालेंगे तो ये ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड कॉस ए टी का लाप्लास निकालेंगे तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, हाइपरबोलिक के भी फॉर्मूले होते हैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो कुछ नहीं यही फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ जो है यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। इस तरह से कॉस हाइपरबोलिक का निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर कॉस ए टी का जो होता है यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्लियर है, बस ये आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, ये लाप्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखने से आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक, भूलेंगे नहीं। अब हम इनको अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से फॉर्मूले बनेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड, अभी लाप्लास इसकी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके आगे अप्लाई हो सकती हैं। नेक्स्ट, सो यहाँ पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, सो टी स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए। जब आप तोड़ेंगे तो इस तरह से आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये मिलेगा लाप्लास, ये टी पावर में अलग करिए, टू कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रख लेंगे, टी स्क्वायर में अलग लगाएंगे तो इस तरह से आपको ये चीज़ मिलेगी, और वन में हम लाप्लास अलग लगाएंगे, ठीक। अब हम एक एक करके लाप्लास जो हमें याद है फॉर्मूले वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमारा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, टी की पावर एन वाला लगना है, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ये लगाएंगे फैक्टोरियल एन, यानी एन की वैल्यू हमारी कितनी है, फोर है, तो फैक्टोरियल फोर अपॉन पी टू दी पावर एन प्लस वन, सो फोर प्लस वन, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या आया, फैक्टोरियल फोर अपॉन पी टू दी पावर फोर प्लस वन, सो फाइव डायरेक्ट लिखा है, टू कॉन्स्टेंट है, टू रहा, और टी स्क्वायर का इस तरह से करेंगे तो फैक्टोरियल टू अपॉन पी पावर थ्री, एंड वन का लाप्लास याद है वन अपॉन पी, इसको सॉल्व कर लेंगे आपको इस तरह से आंसर मिलेगा। क्लियर है, आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूले आपके ये वाले अप्लाई हो गए हैं, एक आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर, ये फैक्टोरियल वाला एक ये अप्लाई हुआ है, और लाप्लास ऑफ वन ये अप्लाई हुआ है, ठीक, और ई की पावर एटी का ये अप्लाई हुआ है, क्लियर है ना, सॉरी ई की पावर एटी का यहाँ अप्लाई ही नहीं हुआ है फॉर्मूला, यहाँ तो कुछ और था, हाँ दो ही फार्मूले अप्लाई हुए हैं, टी पावर एन का और लाप्लास ऑफ वन का। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, एफ टी दिया है साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर दिया है, तो आप सेम यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे, अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी ये वन हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई लाप्लास नहीं होते हैं। अगर आपको साइन ऐसे कहे जनरली कि साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालिए, तो देखिए जरा हम समझ लेते हैं, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी है यहाँ, अगर साइन टू टी होता तो साइन ए टी का फॉर्म लगाते थे हम, ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा नहीं, तो साइन स्क्वायर के लिए आप कॉस का ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें साइन होता हो, यानी कॉस टू टी का फार्मूला हमारे पास होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, सो हम यहाँ साइन स्क्वायर टी का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा वन माइनस कॉस टी टू टी अपॉन टू, इस तरह से मिलेगा, ठीक। पर जब हम लाप्लास निकालेंगे तो इसका लाप्लास हमें मिल जाएगा, वन का लाप्लास जानते हैं, कॉस ए टी का लाप्लास हम जानते हैं, एक की जगह बस टू रखेंगे, क्लियर है ना। सो नेक्स्ट और यहाँ वन रख देंगे, यहाँ आपका फॉर्मूला साइन टू टी का लग जाएगा, तो इस तरह से वन का लाप्लास निकाल लिया माइनस, और यहाँ साइन टू टी का लाप्लास निकाल लिया, वन का लाप्लास वन अपॉन पी होता है माइनस साइन टू टी का लाप्लास होता है ए अपॉन, ए की वैल्यू है टू, यहाँ से ये ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू टू है, वो हमने कैलकुलेट करके रख दी, क्लियर। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर टू टी का हमें लाप्लास निकालना है, यहाँ फोर तो कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, कॉस स्क्वायर टू टी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू, ठीक।
क्योंकि कॉस ए टी का जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए टी का करो नहीं जानते हैं। सो वन प्लस कॉस, अब यहाँ टू टी है इसलिए यहाँ फोर टी होगा, बाई टू करेंगे, टू से फोर कट जाएगा तो यहाँ टू बचेगा। नेक्स्ट आप लाप्लास डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वन में अलग कर दीजिए, और इस तरह से वन में अलग किया, कॉस फोर्टी में अलग किया, तो ये मिला आपको। ठीक, अप्लाई करेंगे लाप्लास वन, हमारा वन अपॉन पी होता है, कॉस ए टी का लाप्लास हमारा इस तरह से पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। सो हम इस तरह से करेंगे। ठीक, साइन में यहाँ ए होता है, कॉस में यहाँ पी होता है, बाकी सेम वही फॉर्मूला, कैलकुलेट कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सेम इस तरह से ये है साइन स्क्वायर ए टी का, देख लिया यहाँ आ भी क्या है, कॉन्स्ट ही है यहाँ, तो सेम वही क्या साइन स्क्वायर ए टी का लिखा, वन माइनस कॉस टू टी, टी की जगह ए टी है, बटे आपने दो किया, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, तो वन लाप्लास निकाल लेंगे, कॉस ए टी का लाप्लास निकाल लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी टू ए कहलाएगी। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, यहाँ पर हमें करना है लाप्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी फॉर्मूले लग जाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगेगा टी की पावर फोर का, टी की पावर एन, एन की वैल्यू फोर होगी, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ए की पावर ए टी का फॉर्मूला लगेगा, ए की वैल्यू हम यहाँ माइनस थ्री रखेंगे, यहाँ पर साइन ए टी और यहाँ पर ए की वैल्यू फाइव रखेंगे हम, यहाँ पर कॉस ए टी और यहाँ ए की वैल्यू टू रखेंगे। सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, एक एक करके सभी फॉर्मूले यहाँ हमने लगाए। ठीक, फॉर्मूले टी की पावर फोर, टी की पावर फोर का फैक्टोरियल फोर अपॉन पी की पावर फोर प्लस वन, यानी पी की पावर फाइव हो गई, इस तरह से यहाँ टी की पावर एन, तो एन की वैल्यू थ्री है, फैक्टोरियल थ्री अपॉन पी पावर फोर हो जाएगी। ए की पावर ए टी का फॉर्मूला जानते हैं, वन अपॉन पी माइनस ए होता है, बट ए की वैल्यू यहाँ माइनस थ्री है इसलिए प्लस थ्री हो जाएगी, और साइन ए टी का हम करेंगे तो ए अपॉन, तो ए की वैल्यू फाइव। ठीक, फाइव अपॉन पी प्लस ए स्क्वायर, यानी फाइव ए स्क्वायर, यहाँ क्लियर। नेक्स्ट यहाँ कॉस ए टी का करेंगे तो पी अपॉन होता है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट ये है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं आपको ज़रा समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, यहाँ लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है, बट एफ टी आपके दो फंक्शन दिए, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, लिमिट चेंज है, एक लिमिट दी है टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो टू वन, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी, अब यहाँ फार्मूला ये लगाएंगे, क्योंकि जब यहाँ इस तरह का फंक्शन दिया हो, ठीक, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगेगा। सो लाप्लास ऑफ एफ टी, अब क्या करना है, इस लिमिट को आपको दो पार्ट में तोड़ देना है, क्योंकि यहाँ टी की लिमिट दो पार्ट में है, एक तो जीरो टू वन है और यहाँ वन से क्या है अधिक है वैल्यू, यानी कि हम जीरो टू इनफाइनाइट को तोड़ देंगे, जीरो टू वन, ठीक, और वन से इनफाइनाइट, इस तरह से प्लस लगा के हमने ये तोड़ दिया। फंक्शन जो है फंक्शन रख देंगे, अब ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। सो जब जीरो टू वन है तो एफ टी का मान क्या है, जीरो दिया गया है, सो हम यहाँ जीरो रख दिए, टी की पावर माइनस पी टी, ठीक, प्लस जब हमारा टी की वैल्यू जी वन से अधिक है तो एफ टी ये दिया है, सो इस एफ टी जगह हम ये रख देंगे, और इस तरह से हम दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमें करना इंटीग्रेशन, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा आपको, जैसे टी माइनस वन को आपने एक्स मान लीजिए, यहाँ पर टी माइनस वन को एक्स माना, तो आप पूरा फंक्शन जो है जो टी में है उसको एक्स में चेंज कर लेंगे, जब एक्स में चेंज करेंगे तो आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, आप उस सॉल्यूशन को जैसे भी करें करिए, ये आपका एक्चुअली यहाँ पर जो है गामा फंक्शन का फॉर्मूला लग गया है, तो जो कि आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो आप इसको कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे देखें तो आगे सी की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन रूट टी का हमें निकालना है, साइन रूट टी हम कैसे करेंगे, यहाँ साइन टी की आपको सीरीज लगानी पड़ेगी, और सीरीज जो होती है आपकी, सीरीज आपको याद होनी चाहिए, सीरीज ये होती है टी माइनस, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, लाप्लास ऑफ साइन टी का आपको निकालना है, ये देखिए लाप्लास ऑफ साइन टी, सो फॉर्मूला होता है टी माइनस, अब टी की जगह हमारा रूट टी है, ठीक, टी माइनस टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस टी की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, बस टी की जगह हमारा रूट टी है, रूट टी का मतलब हम जानते हैं कि टी की पावर वन बाई टू होती है, सो यहाँ वन बाई टू रखेंगे, यहाँ वन बाई टू रखेंगे, ठीक,
ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 हो जाएगी पावर। ठीक, जब ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर टी की पावर 1/2। अब यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, हम लाप्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पदों में, तो हमारे ऐसे ही इन्फाइनट तक टर्म्स मिलेंगे। फॉर्मूला हमारा गामा वाला लगेगा, गामा ऑफ एन प्लस वन यानी कि 1/2 + 1 अपॉन p^n+1 यानी कि 1/2 + 1। इसी तरह से हम ये सभी सभी पदों में फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब यहाँ आपने पहले में लगाया तो आपको ये 1/2 + 1 3/2 मिला, गामा 3/2, p^3/2। सेम यहाँ लगाएंगे, ये सब आपको स्वागत, गामा 3/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब गामा 3/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो गामा 3/2 आपका इस तरह से करा था 1/2 और गामा 1/2, तो गामा 1/2 रूट पाई होता है। ठीक, गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 5/2 इस तरह से लिखते हैं हम, 3/2 1/2 एंड रूट पाई। नेक्स्ट इसी तरह से हमें 7/2 को करना है, तो ये हमारा 5/2 आएगा, 3/2 आएगा एंड रूट पाई। ठीक, इस तरह से हम नेक्स्ट ये सॉल्व करते जाते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको जो भी कैलकुलेशन मिलेगी उससे कॉमन करेंगे ये चीज़, तो कैलकुलेशन जो भी मिलती है वो आपका आंसर कहलाएगा। बट यहाँ एक फॉर्मूला और लग जाएगा, जब कॉमन करेंगे तो e^-x का यहाँ सीरीज लग जाएगी और e^+x की सीरीज। सो ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेम ऐसे क्वेश्चन होंगे, सब बेसिक हैं। ठीक है, सभी में वही फॉर्मूले ऐसे लगने हैं। हाइपरबोलिक का यहाँ तो क्लिक का लगेगा, ये वैसे छोड़ दीजिए इसको, बाकी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ये दिया गया है हमें लाप्लास ऑफ एफ्टी निकालना है, एफ्टी आपको गिवन है। सो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट को तोड़ना पड़ेगा 0 to 1 एंड 1 to ∞। तो 0 to 1 के लिए हम एफ्टी का मान ये रखेंगे, और जब हमारा टी की वैल्यू क्या हो 1 से अधिक हो तो हम ये 0 रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। ठीक है, एफ्टी का आप जो जनरल फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर सेम इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मान सकते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ हमें लिमिट 3 पार्ट में तोड़नी पड़ेगी। एफ टी का हमें लाप्लास निकालना है, एफ टी गिविन है, बट 3 फंक्शन गिविन है। एक क्या है, हम क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 0 to ∞ होता है। ठीक है, और e^-pt ft dt होता है, तो अब एफ टी हम यहाँ क्या रखेंगे। ठीक है, एफ टी डी टी होता है, तो एफ टी को हमें अलग अलग मान दिए गए हैं। तो 0 to ∞ को हम तोड़ेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहले 0 to 1 तोड़ेंगे, तो एफ टी का मान ये 0 रखेंगे, फिर 1 से 2 देखेंगे तो ये, और फिर टी 2 से ∞ करेंगे तो ये। ठीक, 2 फंक्शन 0 हैं, केवल हमें ये टी मिलेगा, केवल एक फंक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम इस तरह से ये क्वेश्चन है 0 to π एंड π to ∞, ये क्वेश्चन। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, सो आगे और देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या इसी को हम फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। सो चलिए ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।